जन्म अष्टमी, वह जन्म जो अष्टमी को हुआ, और अष्टमी का अर्थ आठों लक्ष्मी, जो आठों लक्ष्मियों का मालिक हो। जब ये आठों लक्ष्मी जिसकी सेविका हो उसी को कृष्ण कहते हैं। मैं भगवान के बारे में नहीं जाना, मैं भगवान को जाना, भगवान को जाना, सबको जाना, सारे सिंगल डाइमेंशनल है। कोई हमको मोक्ष देता है, कोई हमको धन देता है, कोई हमको ज्ञान देता है, कोई हमको त्याग देता है, कोई हमको व्रत देता है, कोई हमको खोज देता है। कृष्ण कैसे भगवान है? कोई हमको आचरण देता है, कृष्ण कैसे भगवान है जो मल्टी डाइमेंशनल है, सब चीज देते हैं। कृष्ण ये कैसे भगवान है जो हंसता हुआ धर्म देकर आए, बांसुरी बजा रहे हैं, नचा रहे हैं, झूमा रहे हैं, कह रहे हैं रोते रोते मुक्त नहीं कराऊंगा, हंसते हंसते कराऊंगा। कृष्ण कुछ छोड़ नहीं रहे, सारे चीजों को सीढ़िया बनाकर उस पर पांव रखकर मंजिल पर चढ़ा रहे हैं। कहें चिपको मत, ये सीढ़ी है। राजा जनक जैसा राज्य भी हो, परिवार भी हो, पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, बेटी भी हो, लेकिन विदेह, देह का भी बोध नहीं, किसी चीज से चिपकना नहीं। कृष्ण कह रहे हैं भागो मत, जागो। कृष्ण जैसा समरथ, कृष्ण जैसा मल्टी डायमेंशनल भगवान नहीं हुआ इस दुनिया में। तो भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी हम सबके लिए वह एक तारक, वह एक आई ओपनर है कि हमारे जीवन में भी लक्ष्मी आती है तो आठों लक्ष्मी आए और हम इस संसार में, इस भौतिक संसार में राजा बने, लेकिन राजा बनने के बाद भी हमें किसी चीज़ से मोह ना हो और हम उसका त्याग भी करें। लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, हमें उसका किसी चीज़ का मोह ना हो। हनुमान चालीसा में जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव पर किन्हा, राम मिलाई राजपद दिन्हा। राजा भी बना दिया इस संसार के लिए और राम से भी मिला दिया मुक्ति के लिए, तो कृष्ण राजा भी बनाते हैं और मुक्त भी कराते हैं सब छोड़ाकर, लेकिन हंसते हंसते बंसिया बजा के नचाते नचाते। वह सोचा है जन्माष्टमी, पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म है। अभी तक जितनी अवतार हुई है, कोई चार कला, कोई दो कला, कोई तीन कला, कोई आठ कला, कोई बारह कला लेकर आया है। जैसे बुद्ध मत्स्य अवतार चार कला, नरसिंहा अवतार पांच कला, बुद्ध तीन कला, महावीर चार कला, राम बारह कला, कृष्ण ही एक ऐसे अवतार थे जो 16 के 16 कला लेकर आ गए थे। और वह जन्माष्टमी को हुआ है जो माँ लक्ष्मी अपने पूर्णता पर थी, अष्टमी पर आठों लक्ष्मियाँ उनकी स्वागत कर रही थी खड़ा होकर के, और तब कृष्ण आए हैं। तो वही जन्माष्टमी है, नमन है उस ब्रह्म को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्ण।